हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक विंडोज की कमाल की ट्रिक के बारे में, जिसमें आप अपने आइकन को जूम कर सकते हैं और अपने वॉलपेपर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिक विंडोज 7, 8, एक्सपी, 10, 11 और विंडोज के सभी ऑपरेटिंग में काम करने वाली है। इस ट्रिक को अगर आप अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर पर अप्लाई करते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको बार बार पूछने वाले हैं कि इस ट्रिक को आपने कैसे यूज किया है और हम इस ट्रिक को कंप्यूटर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो आप देख रहे होंगे हम अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम अभी अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कलर चेंज करने वाले हैं और आइकन है ये सभी रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, फोटोज, सॉफ्टवेयर, ट्रेस कार्ड, वीडियोज, इन सभी को हम जूम करके देखने वाले हैं कि हम जूम कैसे करते हैं शॉर्टकट की हेल्प से और अपने वॉलपेपर का कलर कैसे चेंज करते हैं। यदि आपको अपना डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, देन डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन लिखा हुआ है। आप यहाँ से अपने डिस्प्ले का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वो सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन अब आपको अपने डिस्प्ले का वॉलपेपर चेंज करना है तो आप पर्सनलाइज में जाएंगे। देन मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो ये वॉलपेपर आ गया है, आप ये वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो ये वॉलपेपर आ गया है एंड अब हम बाय डिफॉल्ट ये वॉलपेपर लगा लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी ट्रिक के बारे में। उसके लिए आपको विंडो की प्रेस करनी है, देन यहाँ पर टाइप करना है मैग्नीफाई। जैसे ही आप मैग्नीफाई टाइप करेंगे आपके सामने एक टॉप साइड में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको आपको मिनिमाइज कर लेना है। देन आपको इन आइकन को जूम करने के लिए अब विंडो की के साथ प्लस प्रेस करना है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर पर हूँ और इसको जूम करना चाहता हूँ, देन विंडो के साथ प्लस प्रेस किया जैसे ही मैं इसको जूम कर सकता हूँ और ऊपर नीचे माउस की हेल्प से जा सकता हूँ। अब हम इस वॉलपेपर का कलर चेंज करने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ऑल्ट के साथ आई। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे आपका वॉलपेपर का कलर चेंज हो गया है। यदि आप इस ट्रिक का अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं और उनको मैग्नीफाई और इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो वो सोचेंगे कि मेरे कंप्यूटर के साथ ये क्या हो गया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्रिक को शेयर करेंगे। अब हम देखते हैं इसको जूम आउट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको विंडो की के साथ माइनस प्रेस करना है। विंडो की के साथ माइनस प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर ये जूम आउट हो गया है और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर विंडोज का वॉलपेपर था उसका कलर भी चेंज हो गया है। देन अब हम अपने विंडोज के कलर को बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट के साथ आई, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर विंडोज के वॉलपेपर का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह हम अपने विंडोज के आइकन को जूम कर सकते हैं और वॉलपेपर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट। देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।